सो हेलो एंड वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग गाइज। गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगा बयाना फोर्ट के नीचे, जो तलहटी बोलते हैं, जैसे पहाड़ी के नीचे का एरिया होता है उसमें। तो यहाँ पर एक ईदगाह बनी हुई है नीचे की साइड में, ये अभी आप देखोगे। और इसके बाद में दो बावड़ियाँ भी बनी हुई हैं, वो थोड़ा दूर हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यह है ईदगाह और इस ये पिलरों पर बनी हुई है, उसी टाइम की है। तो यहाँ से और कुछ पता नहीं मुस्लिम आक्रांताओं के टाइम की है या फिर उसी राजा के टाइम की है, लेकिन ईदगाह बोलते हैं इसको। और ये देखिए, ये इसके पहाड़ की साइड से पूरा पहाड़ी का इलाका दिखता है, क्योंकि ये तीन पहाड़ियों के बीच में बसी हुई है, एक तरह से घाटी में है, तो बहुत अच्छा लुक आता है। ऊपर से देखते हैं तो भी बहुत नीचा दिखता है ये। दोस्तों ये पहाड़ी के दूसरी साइड में जो फोर्ट है उसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके नीचे का कुछ लुक है। इसके अंदर जो गार्डन के होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसके कुछ बगीचे वगैरह लगे हुए हैं। और ये भी यहाँ पर नींबू और करौजे वगैरह के पेड़ हैं, संरक्षित है। वैसे कोई आवारा पशु वगैरह घुसता नहीं इसमें, पानी की व्यवस्था है, इस वजह से अच्छा हो रहा है। पूरा बगीचे टाइप का है, अभी देखना अच्छा लुक आता है यहाँ से भी पूरा। गाइस ये है करौजे का पेड़, और ये देखिए कितने कलरफुल करौजे आ रहे हैं इसमें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, खट्टे भी लगते हैं और पकने के बाद मीठे लगते हैं। सब्जी बनाते हैं इसकी। ये यहाँ पर एलोवेरा का वो पौधे हो रहे थे, जिसको बोलते हैं ग्वारपाठा गांव में। और